दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। अस्थमा, अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना, वो वायु के प्रकोप की बीमारी है। तो अस्थमा ज्यादा है तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, दालचीनी, ये क्षारीय है, दालचीनी का उपयोग करें शहद के साथ। शहद क्षारीय है तो दालचीनी, शहद नहीं ले सकते तो गुड़। ये जो नारियल होता है ना, नारियल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है और मुझे याद आ गई, तो मैंने आपसे कहा जो भी फल में रस नहीं है वो क्षारीय है और जो भी फल में रस है वो अम्लीय है, लेकिन ये नारियल अद्भुत फल है जो क्षारीय है रस होते हुए भी। तो ये क्षारीय है। अब ये क्यों है, ये बाद का विषय। तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं, दमा के शिकार हैं, तो नियमित रूप से नारियल खाइए, हरा नारियल खाइए, कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है, चबा चबा के खाइए। कितना खाएं जी, एक दिन में 50 ग्राम तक खा सकते हैं चबा चबा। तो दालचीनी और गुड़ लिया और नारियल चबा के खाया, 3 महीने के बाद आपका अस्थमा जड़ से खत्म होगा, वो 40 साल पुराना हो तो भी।